हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने मैथ्स प्रेजेंट कर रहा हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। कल जो हमारी क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। हमने हर एक सिलेबस के पॉइंट को डिस्कस किया, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स सीखी, और भी ट्रिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं कि अब रेलवे दूर नहीं। तो अब ध्यान दें कि आपकी नौकरी आपके सामने है, बस आपको पहुंचना है वहां तक, है ना। तो कठिनाइयां आएंगी, उनको छिकाते हुए हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही है, ठीक है गाइज। हाँ जी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग सबको, सबको गुड इवनिंग। तो आज हमारा टॉपिक है बोडमॉस रूल पढ़ने वाले हैं। अब सबसे खास बात इसकी क्या है पता है, कि इसमें ही इस टॉपिक का पूरा रस छुपा हुआ है, इस नाम में ही। बोडमॉस जो नाम है ना, ये आया कैसे है पता है आपको, कैसे आया है? बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, और एस का मतलब क्या होता है। इन सारे वर्डों का कुछ ना कुछ मतलब है। देखिए, बी का मतलब यहां से निकला, ओ का मतलब यहां से निकला, एम का मतलब यहां से निकला, ए का मतलब यहां से निकला, और एस का मतलब यहां से निकला। तो सभी वर्ड से मिलाकर ये बोडमॉस बना है। देखिए, सारे वर्ड का एक एक अक्षर ले लिया और बोडमॉस बना दिया। तो इससे क्या होगा कि आप याद करने में आसानी होगी आपको, कि सर ने बोडमॉस रूल पढ़ाया था, तो बोडमॉस कैसे याद रखेंगे। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ से मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी से मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, और एम से मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा, और ए से एडिशन का मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। तो सब लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल दिख नहीं रहा है तो रिफ्रेश कर लें अपने पेज को। हाँ जी, सबको राम राम, बिल्कुल हर हर महादेव, है ना जी। हाँ, तो आज महाशिवरात्रि है, तो सबको आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयां सब लोगों को। 5 बज गए हैं, हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है गाइज, अपना पेज रिफ्रेश कर लें, है ना। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले आपके लक्ष्य तक जोड़ना चाहूंगा। तो मोटिवेशनल क्वोट आपके सामने लेता हूं, एक देखिएगा कि अब मंजिल दूर नहीं। और आपकी मंजिल क्या है, आपका रेलवे में सिलेक्शन लेना आपकी मंजिल है। तो एक इसमें जो लाइंस लिखी हुई हैं, देखिएगा लाइंस, देखिए इसमें जो लाइन लिखी है उनको ध्यान से पढ़िए। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। तो सीधी सी बात यह है कि बस, हाँ ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बस आपको लगे रहना है और अपनी सिलेक्शन आपको खुद तय करना है, ठीक है जी। हाँ, तो चलते हैं अब इसके बारे में, जानते हैं बोडमॉस रूल के बारे में, कि क्या बोडमॉस रूल की पहचान है और कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पूरी क्लास, सारी क्लास ध्यान दे कि बोडमॉस रूल समझाने जा रहा हूं। इसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो सब लोग ध्यान दें, हाँ। तो अब देखिएगा ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्टक। तो जैसे ही बोडमॉस रूल है ना, तो यहां पर देखिए पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना पहले, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले क्या आ रहा है बोडमॉस में, बी आ रहा है, तो पहले कौन सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, तो उसके बाद कौन सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले, हाँ तो बोडमॉस का चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, ठीक है। हाँ, अभी से ही शुरू कर रहे हैं, बेसिक से ही शुरू हो रहा है संजय जी, आप ध्यान दें, ठीक है। बोडमॉस मतलब बी है, तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब हो जाएगा ऑफ, डी मतलब डिवाइड, और एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, आपका कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद आपका ऑफ मतलब का सॉल्व होगा, उसके बाद आपका डिवाइड सॉल्व होगा, इसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट भी तीन तरीके के होते हैं। देखिएगा, ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, जैसा कि ये दिखा होता है, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट अपना, ऐसा कोष्टक को क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, ठीक है, ये होता है छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट। ये जो होता है कर्ली ब्रैकेट्स होता है, उसको बोलते हैं मध्यम कोष्टक।
कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, मध्यम कोष्टक होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है बड़ा कोष्टक। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा कोष्टक। तो इनमें से कौन पहले सॉल्व होगा, इनमें पहले होगा छोटा कोष्टक सॉल्व, फिर उसके बाद होगा कर्ली कोष्टक मतलब मध्यम कोष्टक, और उसके बाद होगा अपना बड़ा कोष्टक। तो इस प्रकार सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर आपके सामने कोष्टक आते हैं तो पहले आप स्मॉल कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मध्यम कोष्टक को करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को करेंगे। ठीक है गाइस, अब चलिए कि हाँ अब बताइए मेरे को, अब क्वेश्चंस पे मूव करें। सबको ये समझ में आ गया गाइस, ये बताइए सबसे पहले, सब यस लिखिए कि सर बोडमॉस समझ में आ चुका है कि इसमें क्या क्या करना है। पहले कौन सा परफॉर्म होगा, पहले आप बताएं, पहले कौन सा परफॉर्म होगा बताएं जल्दी से। चलिए ठीक है, गॉट इट। चलिए बोडमॉस की क्या जरूरत है, बोडमॉस टॉपिक है गाइस, बोडमॉस टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हमारी क्वेश्चंस को करते हैं, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। चलिएगा, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो अब आपने कैलकुलेशन पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो करते हैं इनकी कैलकुलेशन के बारे में बातें कुछ। तो 360 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू निकालना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये सारे भाग के चिन्ह हैं, ठीक है, इसमें से आपको एक कंसेप्ट समझने वाले हैं और कंसेप्ट हम समझेंगे, इससे पहले इसको सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, ऑफ का मतलब जतिन का होता है, मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन ना लें, कुछ भी टेंशन ना लें। ठीक है जी, हां छोटा ब्रैकेट बिल्कुल सही बात है, सभी सही है ना। हां हितेश सर की क्लास इसके बाद होगी है ना, तो कोई टेंशन ना लें। रेलवे की क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, देखिएगा रेलवे की क्लासेस का टाइम ये है आपके सामने। ठीक है, हां तो ये रेलवे की क्लासेस का टाइम है और आप इस टाइम को नोट कर लें कि किस की क्लास कितने बजे होती है। जी हां, चलिए मेरे पास देवराज दास का आंसर आ चुका है 1/3। ठीक है, हाँ 1/3 आंसर आया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है, सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको बाएं से दाएं सॉल्व करना है, मतलब बाएं से लेके दाएं तक सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब आप जब भाग को सॉल्व करते हैं हमेशा तो बाएं से स्टार्ट करें ना कि दाएं से। तो ये दाया भाग है भाई, दाया हाथ ये है ना, दाया हाथ ये है, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना यहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे जरूरी बात ये है। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा है अभी भी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 360 में 36 का डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 360 में 36 का डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 6 का डिवाइड करोगे तो 10/6 आ जाएगा, इसमें 1 का करोगे तो 1 रहेगा, फिर 5 करोगे तो 1/5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 10/30 बराबर 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/3, बहुत सही बात है। ठीक है, अब हम लेते हैं, अब आप कहोगे कि सर आपने इसमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया है, मतलब बाएं से दायां सॉल्व किया है, मैंने क्या किया है बाएं से दायां चला हूं, तो सर क्या हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें, अगर राइट टू लेफ्ट लेफ्ट सॉल्व करें मतलब दाएं से बाएं सॉल्व करें तो आंसर में अंतर आता है क्या। तो देखिए सही आंसर तो यह है आपका, और गलत आंसर कैसे होता देखिए, 1/5 करूंगा भाई, 1 में 5 का डिवाइड करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो गया। अब ये देखिए 6 भाग दे रखा है ना, तो 6 भाग है, तो अब हम जब भाग देते हैं तो 1/5 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30। अब 30 का भाग 36 में जाएगा, तो देखिए 360 भाग 36 भाग 30 यही तो था, तो 30 नीचे आ जाएगा भाग में, ऐसे है ना, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, दोबारा इसका भाग देना है, तो 360 में अगर मैं 36/30 का भाग दूंगा तो ये 30/36 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 300। तो इससे तो उत्तर आ रहा है 300, इससे आंसर आ रहा है 300 दाएं से बाएं जाने में, जो कि गलत आंसर है, आपका सही आंसर है 1/3। ठीक है जी हां, तो देखिए हां अब मैं दोबारा से बता रहा हूं कि गलती कहां होती है। अगर आपको किसी संख्या को विभाजित करना है, मान के चलिए, देखिए 5/3
5/3 करना है, 5/3 करना है, तो ये क्या आएगा, ये तो एक आएगा, सब बता दोगे भाई, 5/3 करोगे तो एक आएगा ना। हाँ चलिए, तो अब आप जानते हैं 4/3 8/5 करता हूं, 4/3 8/5 करता हूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए सब लोग, 4/3 8/5 करता हूं तो क्या आएगा, जल्दी बताइए सब, क्योंकि मैं इससे कंसेप्ट निकालने वाला हूं आपके लिए, एक कंसेप्ट निकलेगा बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, जल्दी से बताइए। हां मैं सब बताने वाला हूं कि 1/5 क्यों आया, ठीक है। हां चलिए, इससे 1 आ गया, इसका बताइए इसका क्या आएगा, जल्दी बताइए गाइस, 5/6 5/6। चलिए तो क्या करना है, करना क्या था, ये जब भी भाग का साइन हो इसको गुणा में बदलना हो तो जिससे भाग किया गया है ना उसको उल्टा कर दो, जिससे भाग किया गया है उल्टा कर दो, तो 4/3 गुणा गुणा मुझे नहीं पता, मुझे बस इसको उल्टा करना है, तो 8/5 को मैं क्या लिख दूंगा, 5/8 लिख दूंगा बस, तो 4 × 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6, कितना आ जाएगा, 5/6। तो ये सीधी सी कंसेप्ट ये होता है कि कभी भी हम जब भाग देते हैं ना तो वो संख्या उल्टी हो जाती है भाई, जब हम भाग देंगे तो गुणा में वो उल्टा हो जाएगा भाई, 8/5 था और 4/3 में 8/5 का भाग गया तो 5/8 उल्टा होके गुणा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है गाइस, अब इनकी प्रैक्टिस करते रहना और अपने अपने है ना नोट्स बनाते रहना, अपने नोट्स कॉपी में बनाते रहना और इनकी रोज देखते रहना इन चीजों की, क्या चीजें हैं और कैसे सर ने डिवाइड किया, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ऑफ क्या होता है, ऑफ क्या होता है, ये जो ऑफ है ये है, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का। अब मैं आपसे पूछूं 50 का 20% क्या होगा, मतलब 20% ऑफ 50, तो मतलब हो गया ना, बात वही है, तो आप मेरे को फटाफट से बताइए कि 50 का 20% क्या होगा, जल्दी से बताइए 50 का 20% क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 20 है और परसेंट मतलब पता क्या होता है, परसेंट, इसका नाम क्या है, परसेंट, यही तो बोलते हैं अपन परसेंट, और सेंट मतलब होता है 100, तो प्रति 100 प्रति सैकड़ा मतलब क्या है इसका, 1/100 है, इसका मतलब क्या है, 1/100 है, तो 50 का 20/100, ठीक है, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, असली मतलब इसका गुणा होता है, तो देखिए 20 × 5 = 100 और 5 से मैंने काटा 50 10 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो आप डायरेक्ट भी दे सकते थे इसका आंसर कि 50 × 20 हो जाएंगे, मतलब 100 हमारे पास और 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो 10 आंसर आ जाएगा, 5 × 10, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है, कुल मिला के का मतलब होता है गुणा, लेकिन इसको इस्तेमाल किसमें करते हैं, हम परसेंटेज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं ना, अक्सर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत सारे कि 400 का 40% निकालो, 400 का 40% निकालो फटाफट से निकालो सब लोग 400 का 40%। तो जैसा कि मैंने बताया था परसेंट बराबर क्या होता है 1/100। अब जब मैं परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100 चला गया और 100 से मुझे 100 काटना है, तो 4 × 16 तो सीधा आप 160 लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं ना 160। क्या किया मैंने, परसेंटेज था, परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100 ही तो होता है और 100 इसमें गुणा में है भाई, का मतलब गुणा होता है, तो 100 से मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, तो 4 × 16 और 1 0 साथ में है, तो 160 आ जाएगा। जी हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, गुणा भाग सब चीजों की ट्रिक सीखेंगे कि हम फास्ट कैसे करें, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे ये कहूं कि आपको निकालना है 68 का 75% निकालिए, 68 का 75% निकालिए फटाफट से सब लोग, 68 का 75% निकालिए जल्दी से सब। हमें फास्ट होना है, हमें क्या करना है, तेज होना है, तो कैसे करना है, 68 का मतलब क्या होता है, गुणा 75 आ गया। अब परसेंट मतलब होता है 100, परसेंट मतलब होता है 100, अब ये तो कटेगा नहीं, इसमें तो जीरो है नहीं, तो इसको किससे काटो, 25 से काटो, तो 25 × 75 25 × 100
और 4 से मैंने ये काटा तो हो जाएगा अपना 17, 17 51, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 51 आंसर आ जाएगा। इसका सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अनिल का आंसर आ गया, शुभम का आंसर सही है और आकाश का आंसर सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है गाइस, चीजें समझ में आ रही है कि का का मतलब क्या है, का मतलब समझ में आ रहा है, सब ये लिख के भेजिए। सर यस समझ में आ रहा है हमें अच्छे से, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब यस लिख के भेजें, फिर हम बोर्ड मॉस के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा आपका और सब चीज समझ में आएगी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है जी। हाँ चलिए, सबके आंसर लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए, हर स्टूडेंट को लेके चलना पड़ेगा ना गाइज, आप ये ना सोचे कि मैं फास्ट करने लगूंगा, ऐसे नहीं, हर स्टूडेंट को समझा के चलूंगा, बस इतना ही मेरा काम है कि एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हर बच्चे को। चलें अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा बोर्ड मॉस के क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका स्टार्ट हो चुका है समय और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर पहला लिखता हूं, देखिए सबका यस आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं सबके आंसर चेक करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 9 प्लस मध्यम कोष्टक मतलब करली ब्रैकेट 6 प्लस 7 का 3, ठीक है 7 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 भाग 2 छोटा ब्रैकेट बंद और ये, इसका मान निकालो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो मुझे। और का मतलब ऑफ भी होता है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखो, का मतलब ऑफ है जिस तरीके से दिखा हुआ है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि पहले कौन हो सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। ध्यान दें बच्चों कि पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। अब आपको देखना है कि ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, छोटा वाला पहले करना है। तो यहां दो ब्रैकेट है ना, यहां पे दो कोष्टक है ना, एक तो छोटा कोष्टक है एक बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले किधर जाना है हमें, ब्रैकेट की तरफ जाना है, कोष्टक की तरफ जाना है। और कोष्टक किसकी तरफ जाना है, छोटे कोष्टक की तरफ चला गया मैं, तो मैं छोटे कोष्टक में ही मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसमें पहले कौन सॉल्व होगा, इसमें पहले भाग सॉल्व होगा क्योंकि डिवाइड सॉल्व होता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर आ रहे हैं 28 28, बहुत बढ़िया गाइस। और जिनको समझ में नहीं आया वो देखिए, हमें क्या सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्या करना है, पहले कोष्टक सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर यहां तो दो कोष्टक हैं, कहोगे ना कि सर यहां तो बड़ा, यहां पे मतलब मध्यम कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, तो छोटे कोष्टक की तरफ गया, तो इसमें मैंने देखा भाग का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह पहले सॉल्व होगा, मतलब भाग का साइन पहले सॉल्व होगा। तो 6 में 2 का भाग दूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बन गया अंदर, 9 प्लस 2 माइनस 3, 9 प्लस 2 माइनस 3, तो माइनस के 3 में से मैं प्लस के 2 घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 1 आएगा और प्लस का 9 है, तो मेरे पास यहां से क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। यहां से क्या निकला, मेरा ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट खत्म हो गया और यहां से मेरे पास क्या निकल गया, 8 निकल गया। अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, अब का सॉल्व करना है, अब क्या सॉल्व करना है, का सॉल्व करना है, क्योंकि अब बड़े मध्यम ब्रैकेट की बात आ गई और यहां पे चिन्ह क्या है, पहले 8 के साथ माइनस का चिन्ह जाएगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह यही की ही रह जाएगा, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह आ गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 8 आ गया मेरे पास। अब 7 3 21, पहले का सॉल्व होगा, पहले क्या होगा, का सॉल्व होगा, तो 7 3 21 यहां पर आ गया और प्लस 6, ठीक है, और 9 प्लस का ये ब्रैकेट में है। अब मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है ये वाला, तभी तो खुलेगा ये। तो मैंने देखा कि मैंने 6 और 8 देखा, माइनस 2, और मैंने देखा इसमें से मुझे निकल गया 19, यहां से क्या निकला 19, और 19 और 9 कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। तो सबका आंसर 28 आ गया। हाँ स्पीड बनाएंगे, पहले समझो दीपक कुमार शर्मा जी, स्पीड बनेगी लेकिन पहले चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ 28 आ गया, संजीव का आंसर सही है, जॉनी कुमार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं लगातार मेरे पास, सबके आंसर आ रहे हैं, 28 आंसर आ गया इसका। सबको समझ में आया कि पहले छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में पहले डिवाइड सॉल्व किया, भाग को सॉल्व किया, उसके बाद मैं छोटा ब्रैकेट खुल गया, उसके बाद मेरे पास बड़ा ये ब्रैकेट था मध्यम ब्रैकेट, इसमें मुझे पहले का को सॉल्व करना था तो मैंने का को किया, 7 3 21 यहां पर लिख दिया, यहां पर माइनस 2 19 आया, 19 प्लस 9 28 आ गया, ठीक है। हाँ अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,
अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो आप सब तैयार रहें अपने क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन लिखते हैं, एक भाग एक प्लस एक भाग, मध्यम ब्रैकेट लगा दिया है मैंने, वन प्लस वन भाग, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, वन प्लस वन भाग दो, छोटा ब्रैकेट बंद करूंगा, मध्यम ब्रैकेट बंद करूंगा और बड़ा ब्रैकेट बंद करूंगा, ठीक है। अब इसका उत्तर दें फटाफट से, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालें, जल्दी से जल्दी निकालें। घटाना मैं बताया था ना आपको, घटाना कैसे है, यहां पे क्या था, 6 था प्लस 21 था और माइनस के 8 था। अब माइनस के 8 में से प्लस का 6 घटाऊंगा, माइनस के 8 में से प्लस का 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और 21 में से माइनस 2 जाएंगे तो 19 ही तो बचेंगे प्लस के, ये तो प्लस का है ना, ये तो प्लस का साइन है ना 21, तो 21 में से 2 जाएंगे तो 19 बचेंगे, ऐसे 19 आया, ठीक है जी हां। इसका दीजिए, इसका उत्तर दीजिए फटाफट से, लोग सब लोग इसका उत्तर दें। पांच बटे सात, 3.75, 5/8, बहुत बढ़िया, 5/8 किसका आया, आशीष का आंसर सही है, अभी भी बच्चों के, हाँ देखिए रितेश का आंसर भी सही आया है, हाँ बहुतों के गलत आ रहे हैं, बहुतों के गलत आ रहे हैं। करना कैसे है, पहले मैं गया, मुझे समझ में नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं समझ में आता मेरे को, मैंने पहले देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद मैंने देखा कि भाई ब्रैकेट है इसमें, तो इसमें ब्रैकेट है तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे बोडमॉस के अकॉर्डिंग, अब ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा वाला होगा, तो छोटे वाले के पास चला गया, तो मैं छोटे वाले में डिवाइड है अंदर, तो 1/2 हो गया, तो ये 1/2 है प्लस 1 है, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2, कितना हो गया 3/2। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर 1/3 हो तो गुणा में पलट दो इसको, तो 1/2/3 कर दो इसको, यही तो बताया था कि भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है, तो इस वाली जो अंक है जिससे दीवार भाग दिया है उसको उल्टा कर दो, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया यहाँ पे। अब मैंने इतना सॉल्व कर लिया है, इतने का मान मेरे पास कितना आ गया 2/3 आ गया, आया ना भाई, यहां से मेरा 3/2 निकला, तो फिर मैंने 1 में 3/2 का भाग दिया तो 2/3 यहां पे आ गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या है, 1 और है तो प्लस 1 करना है, प्लस 1 किया मैंने तो 3 एकम 3 2 5, तो यहां से कितना आया मेरे पास 5/3, 3 एकम 3 प्लस 2 5/3 आ गया। ये मेरा मध्यम कोष्टक है, ये मेरा कौन सा कोष्टक है, मध्यम कोष्टक है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 1 भाग ये और है, अब मुझे ये कोष्टक हटाना पड़ेगा और 1 में भाग लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा और 3/5 कर दूंगा इसको, तो यहां से मेरे पास कितना आया 3/5 आ गया, यहां तक सॉल्व हो चुका है अपना क्वेश्चन, है ना, तो यहां से 3/5 आया, प्लस 1 है यहां पे, तो ये जोड़ूंगा तो कितना आ गया 5 एकम 5 प्लस 3 8/5 आया, अभी भी 1 है तो 1/5/8 आ जाएगा उत्तर, क्योंकि अगर मैं गुणा में परिवर्तित करता हूं तो उल्टा कर दो इसको, 8/5 को उल्टा कर दिया तो उत्तर कितना आ जाएगा 5/8, सबका आ गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और फास्ट भी करेंगे, लेकिन चीजें हैं समझने वाली, चीजें समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी बस, ठीक है। हाँ लेट हो गए तो अब अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, चलिएगा अगले क्वेश्चन से लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको करने हैं क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करते जाएं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना तो वो नोट करे, उसको कोशिश करे, नहीं आता है तो कमेंट में लिखे, मैं उसको कमेंट में समझा दूंगा, ओके गाइस। चलेगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन ये रहा 36 माइनस 2, ये छोटा ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक ले रहा हूं, 20 प्लस 12 भाग 4 गुणा 3। अब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे, है ना, गलती मत करना, -2 × 2 + 10, इसका मान निकालो, जल्दी से इसका मान निकालो सब लोग, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो इसका, इस प्रश्न का उत्तर दो, कोई बात नहीं। स्वजीत सहिल जी कह रहे हैं कि अभी मैं आया हूं सर, मैं लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट नहीं है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, वीडियो आपके पास रहेगी तो बाद में देख लेना वीडियो,
ठीक है, वीडियो आपके पास ही रहेगी, इसी चैनल पे वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है ना गाइस। हाँ, नेट एंड हो रहा है तो नेट तो आप बाद में देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए, वीरेंद्र कुमार समझ में आ जाएगा, इसका उत्तर मेरे पास आ चुका है बच्चों का, -4, -4, -4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जिनका -4 आ रहा है, देखते हैं कैसे आया, कैसे आया। तो पहले मुझे क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, कोष्टक सॉल्व करना है, तो मैं छोटे कोष्टक की तरफ गया। छोटे कोष्टक में मैंने सबसे पहले कौन सा चिन्ह ढूंढूंगा, मैं सबसे पहले मैं ढूंढूंगा अपना डिवाइड, क्योंकि डिवाइड ही तो सॉल्व पहले होता है, डिवाइड पहले सॉल्व होगा, भाग पहले सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए डी पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है, तो डी मतलब होता है भाग, डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो देखिए अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने 4 का भाग 12 में दिया तो कितना आया मेरा, यहां से निकल के 3 आया। अब मुझे गुणा करना है तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यहां पे क्या है, माइनस को मैंने माइनस का रख दिया, 2 × 2 पहले गुणा होगा ना, तो 2 × 2 = 4 हो गया। प्लस यहां पे क्या है, 20 है, तो 20 का 20 रहा, तो 9 में से 4 गए तो कितने आए, 5 आए, प्लस 20 आए। अब ये कोष्टक जो था जो खोल दिया मैंने, अब टोटल कितना बन गया, ये 25 बन गया मेरे पास। वहां कितना है, 10 है, तो 10 मैंने यहां पे जोड़ दिया, और इन अब 25 था ना, तो 25 के बाहर 2 भी गुणा करना है, तो 2 तो गुणा करना पड़ेगा, तो 25 × 50 और 36 − 50 + 10 तो 46 − 50 करूंगा। भाई ये प्लस के है ना, ये दो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ेगा तो 46 हो गया, प्लस के 36 और प्लस के 10 46 हो गए, ये 25 × 50 क्योंकि 2 गुणा हो रहा है ना, छोटे ब्रैकेट से छोटे कोष्टक से 2 गुणा हो रहा है, तो 25 × 50 हो गया। 50 में से माइनस के 50 में से प्लस के 46 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। दिख रहा है सबको, सबको क्लियर दिख रहा है गाइस, है ना, जी हाँ बिल्कुल। अभी भी समझ नहीं आया बिट्टू, बिट्टू जी आप देख सकते हैं जब आपकी वीडियो समाप्त हो जाती है, मैंने कहा था ना कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, इससे 2 का गुणा भी तो हो रहा है, तो मैंने 25 × 50 तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, अभी तो मैंने ये सॉल्व किया, यहां से मैंने 4 का डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड पहले सॉल्व होता है गुणा से, तो पहले मैंने भाग को गुणा में कन्वर्ट किया, 3 × 3 = 9 आया, 2 × 2 = 4 आया, तो 9 में से 4 गए तो 5, 20 पहले है 25, 25 × 50 50 आ गया, तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपको देखो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते रहो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, एक एक स्टेप करूंगा। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो लाइक करते रहें। 1 मिलियन कॉन्टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। तो ये आपके सामने 1 मिलियन कॉन्टेस्ट है, तो सबसे पहली बात, आप सबसे पहले इस कॉन्टेस्ट में शेयर करें, क्योंकि जल्दी ही हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा, इसमें आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी वाईफाई स्टडी की ओर से, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इस पे नीचे साइट दी हुई है www.wifistudy.com/share.php, ये साइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें जल्दी से जल्दी। हाँ, लेवल बढ़ाते हैं, लेवल जल्दी से जल्दी बढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दें। तो कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा आपको, कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूं, देखिएगा कम्युनिटी के बारे में, देखिए क्लास का टाइमिंग भी, कम्युनिटी ये है कि हमारे यहाँ पे सूचना मिलती है सारी वाईफाई स्टडी से रिलेटेड, तो डेली आप एक बार वाईफाई स्टडी की साइट पे, मतलब वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आएं और इस कम्युनिटी को रोज देखें एक बार कम से कम दिन में, ठीक है। चलिए अब अगली बात है आपके क्लास टाइम टेबल, तो क्लास टाइम टेबल और दिखा दिया जाए बच्चों को, ठीक है चलेगा। लेवल बढ़ा रहे हैं। चलिए हार्ड क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 + 13 - 5 × 1/2 ऑफ 10 है ना, -45 / 17 - 2 ब्रैकेट बंद। इसका उत्तर दीजिए फटाफट से, ये 17 - 2 है, ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए। आपके सामने मैं ऑप्शन रख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी -7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 8। जल्दी से उत्तर दीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ, एक बात पूछनी थी, जल्दी से पूछिए। जीके की क्लास सुबह 9 बजे होती है, जीके की क्लास सुबह 9 बजे होती है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बोडमॉस रूल के द्वारा। हाँ, लाइक करते रहें, जितना थम्सअप कम है ना तो थम्सअप करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, कंटिन्यू लाइक करते रहें, जिससे मजा आएगा पढ़ने में आपको,
चलिएगा। बेसिक से पढ़ाना है ना आपको, एक एक चीज क्लियर करवानी है ना भाई, एक एक चीज बेसिक से पढ़ाने के लिए आपको धीरे धीरे ही तो बढ़ना पड़ेगा, उड़ तो नहीं सकते ना हर एक एक टॉपिक के लिए। कोचिंग चल रही है, ये एक तरीके से कोचिंग है, क्लास आज दूसरी है। जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं ना ऐसे ही पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक चैप्टर की एक एक चीज को क्लियर करेंगे, उसकी मतलब बारीकियों तक जाएंगे उसके। ठीक है, उत्तर आ गया मेरे पास सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 उत्तर आ रहा है, 9 आंसर आ रहा है, किसी का -7 आ रहा है। तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है, अब मैं तरीका बता रहा हूं, ट्रिक वाला तरीका समझो। 17, अब मुझे पता है पहले क्या सॉल्व होगा, पहले होगा ब्रैकेट सॉल्व, कोष्टक सॉल्व होगा। तो मैं यहां चला गया कोष्टक के पास, तो कोष्टक के पास गया मैंने, तो मैंने देखा पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, कोष्टक के अंदर भी तो एक कोष्टक है, कोष्टक के अंदर एक कोष्टक है मतलब छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक सॉल्व किया मैंने, तो 17 में से 2 गए तो 15 बचेंगे, 15 को मुझे भाग देना है 45 में, तो इस कोष्टक से क्या निकल के आया, पूरा 3 निकल के आया भाई। 15 का मैं 45 में भाग दूंगा तो 3 बार ही तो जाएगा, तो इस पूरे कोष्टक से 3 निकल के आ गया। अब क्या 10 में से 3 घटा दोगे क्या, नहीं घटेगा, पहले आपको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो पहले गुणा सॉल्व करिए। क्या करोगे, अब कोष्टक सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्व होगा, कोई भाग का चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो तो वही सॉल्व हो गया। अब करोगे गुणा, गुणा में क्या करोगे, यहां पे 10 है तो 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 हो जाएगा 25, और यहां से क्या था -3, ठीक है, और ये हो जाएगा -13 − 25 + 24। ठीक है, अब मुझे पता है माइनस के 25 में से प्लस के 24 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1, माइनस का 3 पहले से है और प्लस का 13 मेरे पास यहां पे रखा है, प्लस का 13 मेरे पास यहां पे रखा है, तो प्लस के 13 में से माइनस के 1 माइनस के 3 जाएंगे, तो मतलब कुल मिला के माइनस के 4 जाएंगे, तो 13 में से 4 गए तो 9 आंसर आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा आपका बाकायदा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सबका आंसर आ रहा है, तो लगातार लाइक करते जाएं, आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो बहुत अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई गलती ना करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसके बाद बोर्ड मॉस रूल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, चीजें समझते हुए चलना बस, ठीक है। हाँ चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 + 16 − 4 / 2² + 2, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद -2। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कैसे करना है ये सॉल्व। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, क्योंकि 2400 बच्चे देख रहे हैं और लाइक बहुत कम है ना, तो लाइक करते रहे कंटिन्यू, ठीक है। थोड़ी दिक्कत है, अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना, इसमें अपने आप समझ में आने लगेगा आपको, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं। अगर अब समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप समझ में आने लगेगा जब आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा सबको। आंसर आ रहा है सबका मेरे पास 6 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। हरिओम का सही है, अभिषेक का सही, बिल्कुल ठीक है। क्या आंसर है देखिए, आपको पता है पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद भाग सॉल्व होगा, यही तो बात है। तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट में क्या है, 2² = 2 दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 2, तो ये कितना हो गया छोटा ब्रैकेट 6, ये कितना हो गया 6 हो गया। भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह एज इट इज रहेगा यहाँ पे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट मौजूद है। 16 में से 4 गए तो 12 बचेंगे, ठीक है। अब 6 का भाग 12 में दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 माइनस 2 पहले से ही है ना, ये प्लस का 2 है और 6 है, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 गया, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है गाइस। सबका आ रहा है उत्तर, हाँ सबका उत्तर आ रहा है। मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, ट्रिक यही है कि आप फास्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता जब लगेगा कि जब आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो फटाफट से गए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, ठीक है। छोटा ब्रैकेट यहां भी है, इसको भी सॉल्व करना है, तो 16 में से 4 गए तो 12, तो सीधा सीधा भाग दे दो, तो 12 में 6 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ये किसका है, प्लस का है, क्योंकि यहां भाग चिन्ह किसका है, प्लस का है,
प्लस के दो और माइनस के दो आपस में कट जाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, हाँ सबका 6 उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, सबका 6 आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, फटाफट से करें इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस से सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी और बोडमॉस से इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता। चलिए जल्दी से करिए, इसका भी आंसर जल्दी से करिए। हाँ देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, बोडमॉस के इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोडमॉस रूल हम क्लियर कर चुके हैं, जो स्टूडेंट बीच में जुड़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा तो वो वीडियो को दोबारा से देख लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दें कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ चलिए, आशा में ही तो सब कुछ है, सब चीजें दिमाग से सोचनी पड़ेंगी कि हमें करना कैसे इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या सोचा, पहले हमें छोटे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, पहले छोटे करेंगे ना तो पहले मैं जोड़ लेता हूं क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, इसको पहले हमें सिंपलीफाई करना है, इसकी पहले गणना करनी है। तो मैंने देखा 5 और 3 8 और 10, तो यहां से तो मेरा 108 आ गया, ब्रैकेट यहां पे है, कोष्टक यहां पे है, भाग। अब मैं भाग नहीं करूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो 4 3 12, तो ये भी ब्रैकेट में है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके, सिंपलीफाई हो चुके, अब माइनस का 24 है और प्लस का 8 है। ठीक है, इतना हो गया, ये दोनों सॉल्व कर लिए मैंने। अब मुझे पता है मेरा भाग होगा, तो 12 9 108 होता है 9, माइनस 24 प्लस 8। अब मुझे पता है 9 और 8 कितना होता है, ये प्लस का 9 है प्लस का 8 है, तो प्लस का 17, प्लस के 17 में से माइनस के 24 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 उत्तर आ जाएगा, माइनस का 7, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, माइनस का 24 बड़ा है ना 17 से, तो माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आई, क्या करना है, पहले छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना बोडमॉस में, तो पहले कोष्टक को सॉल्व करें, तो कोष्टक के जो अंदर है मैंने इसको गणना करके लिख दिया और हल करके लिख दिया, इसी प्रकार मैंने इस कोष्टक का हल करके लिख दिया। अब मुझे पता है, अब मेरा भाग सॉल्व होगा, क्योंकि ना तो ऑफ है ना मतलब का है, अब भाग सॉल्व किया तो 9 आया, तो ये प्लस का 9 है, प्लस का 8 है 17, 17 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 7। ठीक है जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए जल्दी से करिए, बोर्ड मॉस खत्म करने वाले हैं हम, सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कल हम अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल अगला सारे चैप्टर भी तो खत्म कराने हैं, सिलेबस आपको पता ही है ना सारे, तो एक बार सिलेबस भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसका मान निकालिए जल्दी से। राजन जी आसान लगेंगे अगर आपको आता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के गलत उत्तर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बनता ही नहीं है इससे हार्ड, और रेलवे में ग्रुप डी में और आरआरबी एएलपी में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं, है ना, बटे वाले क्वेश्चन मैं लूंगा, कल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब। अगला टॉपिक क्या होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कौन सा होगा, दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन होगा अगला टॉपिक। ठीक है ना, दशमलव और भिन्न। ठीक है, हाँ आंसर आ गया मेरे पास 113, बहुत सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है। कैसे आया, पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, तो 18 में से 6 गए तो 12। अब मुझे गुणा कर सकता हूं मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पहले भाग सॉल्व करना है गुणा से, तो 11 55 हो गया 5, तो 12 9 108 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 9 कितने हो जाएंगे 108 और 5 कितना हो जाएगा 113, कितना हो जाएगा 113। ठीक है जी, हाँ तो मैं आपको सबको सिलेबस दिखाना चाहता हूं कि क्या सिलेबस है हमारा और हम किस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो इसको देखें, पहली बात पार्ट वन देखें हमारा। पार्ट वन में देखिए, आज मैंने ये स्टार्ट किया है आपका बोडमॉस रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, है ना। अब इसके बाद मैं डेसिमल और फ्रैक्शन बताने वाला हूं आपको, डेसिमल मतलब होता है दशमलव और फ्रैक्शन, तो कल हमारा टॉपिक है दशमलव और भिन्न, ये हम कल पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो सारी चीजें ये हम क्लियर करने वाले हैं पहले। ठीक है गाइज, जी हाँ
तो चीजें क्लियर होती जाएंगी तो उल्टा मजा आता जाएगा आपको। तो दोस्तों इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक बनते हैं, लाइक करते रहिए, बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा क्वेश्चन देखिए अगला। 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 2 इंटू 10। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। मेंसुरेशन कब होगा, मेंसुरेशन भी करवाएंगे, नंबर सिस्टम पार्ट टू का सिलेबस भी दिखा दिया जाए स्टूडेंट्स को। पार्ट टू का सिलेबस देखिए ये है, हाँ पार्ट टू का सिलेबस देखिए, ये आपके सामने पार्ट टू का सिलेबस है, इसको भी देखते रहिए कंटिन्यू आप, है ना। आपके सारे टॉपिक में एक एक करके क्लियर करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आप सबको नहीं है, ठीक है गाइज। चलिए हाँ, तो अब पार्ट थर्ड का सिलेबस भी मैं दिखाने वाला हूं। जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर मेंसुरेशन नहीं करवाओगे क्या, तो एडवांस मैथ के ये टॉपिक मैंने पार्ट थर्ड में कवर किए हैं, ठीक है, तो इनको भी हम करेंगे, सब चीजें क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिएगा, सबका आंसर आ गया। देखिए कैसे करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 25 में से दो दुनी दो दस दो ढाई के दस गए 20 गए, तो दस दुनी 20 गए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट से कितना आ गया, 5 आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहां से निकला मेरे पास 20, ठीक है, और 78 में से मुझे 20 घटाना है तो कितना आंसर आ जाएगा, 58। तो सबका आंसर आ गया, अब सबको समझ में आ रहा है, चलिएगा। तो मैं ये कहूंगा कि लाइक करते रहें, और मैं आपको बताना चाहता हूं हम लखनऊ मिलने आ रहे हैं आप सबसे, तो जो भी कोई लखनऊ के पास वाला बंदा है जो लखनऊ में आ सकता है हमसे मिलने, तो 24 फरवरी को हमसे मिले, हमारी पूरी टीम वहां पे होगी, आपके सारे सर वहां पे मौजूद होंगे, आपके सामने एड्रेस भी दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लें, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज समझ में आ गई सबको, पहले सब एक साथ यस लिख के भेजें मुझे, कि मुझे पता लगे कि आपको अच्छा लगा है पढ़ के, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार हो जाएं आप सब, ठीक है जी। हाँ जल्दी से जल्दी करिए, बिल्कुल सब एक साथ यस लिख के भेजें, तब मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जो मेहनत की है आप उसमें सफल हुए हो और बोडमॉस आपको समझ में आया है, ठीक है। हाँ आ रहा है, वेरी गुड। हाँ कितना नंबर हो गया, अभी स्टार्ट हुआ है, तो रोज आप 5 बजे आए, रोज क्लास होगी यहां पे आपकी, है ना, रोज क्लास स्टार्ट होती है रोज 5 बजे। यस यस सबका, पंकज का, चंदन, अविनाश, शिखा, रवि प्रधान, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा परीक्षा में, मेरी गारंटी है, क्यों, क्योंकि एक एक चीज पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी कहे कोई कि सर ये करो सर वो करो, ऐसा नहीं, एक एक सटीक तरीके से पढ़ेंगे, मैंने कल भी आपसे प्रॉमिस किया था। हाँ बहुत बढ़िया, तो लाइक तो बनता है, लाइक करिए सब लोग एक साथ, लाइक करते रहें लगातार कंटिन्यू, है ना। ट्रिक के लिए तैयार हो सब, चलिए एक ट्रिक बताता हूं, है ना। अब कल मैं आपको स्क्वायर पढ़ा रहा था, तो स्क्वायर की ट्रिक देखते हैं कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे किसी नंबर का, मतलब किसी नंबर का वर्ग निकालना, वर्ग निकालना सीखते हैं, तो वर्ग कैसे निकालेंगे, ट्रिक बता रहा हूं ध्यान देना, ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना आज, है ना, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सारे के सारे बच्चे, तो ट्रिक के लिए तैयार हैं सब। देखिए मैं पहले बता रहा हूं आपको, मान के चलिए 58 का हमें स्क्वायर निकालना है, 58 का हमें वर्ग निकालना है, तो क्या करना है आपको, 5 करना है इंटू 8 करना है, भाई 5 करना है इंटू 8 करना है, मतलब 5 गुणा 8 करना है, और क्या करना है, ये जो 2 दे रखा है ना, इसको भी यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी यहां गुणा कर दो, तो कितना आ गया, 5 8 40, 40 दूनी 80, कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, और 8 का कितना होता है 64, है ना, तो ये 80 है ना, 80 को यहां पे जोड़ो बीच वाले में, मतलब एक छोड़ के जोड़ना है, एक छोड़ के जोड़ना है, ये वाला आपको हमेशा छोड़ना है, हमेशा, ठीक है। तो देखिए 4, 6, 8 और 5, 13 और 33, 64 आपका उत्तर आ गया, इसका क्या हो जाएगा, 33, 64 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो 33, 64 आपका इसका उत्तर आएगा, तैयार हैं आप सब, और क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन दूं, जल्दी से जल्दी बताइए, एक अगला क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए आपको मैं देता हूं, आप निकालिए 64 का स्क्वायर, जल्दी से निकालिए बच्चों, जल्दी से, दोबारा से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया, हाँ
इंटरटेनमेंट जी पूछ रहे हैं कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा। भाई स्टार्ट किया है, आपको टेंशन नहीं लेनी उस चीज की, मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस पूरा होगा, लेकिन ये बात है, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब मैं दोबारा से बताऊंगा आपको 64 का स्क्वायर बताना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, उसी तरीके से 6 लिया, 4 लिया और 2 लिया, तो 6 चौक 24 दुनी 48, 48 लिया। अब यहां पे आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, बस इतना करना है, 2 से अब कोई मतलब नहीं है। और 48 को कहां लिखना है, ऐसे लिखना है, इसको छोड़ के लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 6904, 4096 आंसर आ जाएगा। सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, 3-4 जल्दी से उत्तर दें सब लोग, फिर मैं उनका उत्तर बताऊंगा आपको, आंसर सबका बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप स्क्वायर भी याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका करिए, 34 का स्क्वायर करिए, ठीक है, 74 का करिए और 88 का करिए। चलिए तीन आपके सामने प्रश्न है, इनका करिए, तीनों का उत्तर मैं बताऊंगा एक एक करके आपको, ठीक है। इसका करिए पहले, फिर इसका करिए, फिर इसका करिए, इतने बड़े बड़े नंबर का आप निकाल पाएंगे, कैसे करना है, 3 × 4 × 2, 4 × 3 = 12 दुनी 24 आया, 3 का कितना हो गया 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16 और मुझे 24 यहां पे जोड़ना है, तो 6 × 5 = 11, ठीक है, तो 1156 आ गया, ठीक है, सबका आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। हाँ 1156 आ गया। हाँ जनरल साइंस का सुबह 9 बजे है, उधर टाइम टेबल दिखा दिया जाए स्टूडेंट्स को। हाँ बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, मैं आंसर देख रहा हूँ, प्रियंका, किशोर, संतोष, अमित कुमार, सोनम, हम रोज ऐसे करेंगे, पता है रोज ट्रिक सीखेंगे हम। ये टाइम टेबल है, आप सारी क्लास नोट कर लें, रेलवे की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ALP और ग्रुप डी की, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका कैसे देना है, 7 × 4 × 2 करना है, तो 7 × 28 × 56, तो 56 आ गया, 7 का कितना होता है 49, 4 का कितना होता है 16 और 56 को ऐसे जोड़ना है बस एक छोड़ के, तो 6, 7, 9 और 5 = 14 और आ जाएगा 5476, कितना आ जाएगा 5476। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका भी ले लेते हैं, 88 का भी ले लेते हैं, 88 का कैसे करेंगे देखिए, 88 का कैसे करेंगे, 8 × 8 × 2, तो 8 × 8 = 64 × 128, 8 का कितना होता है 64, 8 का कितना होता है स्क्वायर 64, 128 को जोड़ना है 8, 2, 1, ऐसे जमा दो, तो 4 × 8 = 14 + 7 + 7, तो 77, 44, ठीक है, 7 आएगा गाइस, है ना, 7 आएगा, ध्यान दें, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इनको करके लाना कल, और अच्छा लगा है तो लाइक करते रहना सब लोग, लाइक करना पूरे बच्चे, अगर बढ़िया मजा आया है, कल और ट्रिक सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे और मैथ को बहुत धांसू बना देंगे, ठीक है। चलिए अब 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आपको, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क लीजिए, ठीक है, आपको करके लाना है 96 का स्क्वायर और करना है आपको 87 का स्क्वायर करना है और करना है आपको 63 का स्क्वायर करना है और एक और दे देता हूं होमवर्क और करना है आपको 77 का स्क्वायर। चलिए ये आपका होमवर्क है सबका, स्क्वायर करें ट्रिक से सब लोग, ठीक है। क्यूब निकालना भी सिखाएंगे, सब्र तो करो, एक दिन में सब सीख जाओगे क्या, बस मेरे से एक दिन मिलना चाहते हो क्या आप, रोज मिलो, रोज 5 बजे आता हूं, हर चीज सिखाऊंगा, ठीक है जी। हाँ तो इन तीनों चारों का स्क्वायर याद करके आना, मतलब याद क्या, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग, मैं सबके देखूंगा और इसका कल हल बताने वाला हूं, उत्तर बताने वाला हूं, ठीक है। सबको समझ में आई, सब एक साथ यस लिख के भेजो, अगर मजा आया क्लास में सब एक साथ यस लिख के भेजो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको कल और बेहतर पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। चलिएगा जल्दी से यस लिख के भेजो सब लोग, एक सौ एक का भी बताऊंगा, 102 का भी बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो आप, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, सबके तरीके बताऊंगा, ठीक है जी। हाँ सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, यस यस यस। तो गाइस कल मिलते हैं 5 बजे शाम को फिर से,
और कल फिर हम और तरीके सीखेंगे, कुछ नई ट्रिक सीखेंगे। कल अगला चैप्टर होगा डेसिमल और फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।